And करना है वो सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तो हम इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इस पूरे वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले है. और ये जो एक क्वेश्चन है इसमें मैं आपको वर्किंग नोट्स बनाने सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको वर्किंग नोट्स बनाने तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें वर्किंग नोट्स को प्रिपेयर करना है तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है क्वेश्चन सेज दैट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ भूषण लिमिटेड कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फॉम कैन बाय बैक एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन सिक्सटी थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ हंड्रेड इच फुल्ली पेड अप तो फुल्ली पेड अप है कोई प्रॉब्लम नहीं जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस सिक्योरिटीज प्रीमियम अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन ऐसे दो पॉइंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन में है ठीक है तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं सबसे पहले सॉल्व करने में क्या लिखना है हमको सोर्सेस लिखना सोर्सेस में क्या आता है फ्री रिजर्व आएंगे तो आपके क्वेश्चन में जो जो फ्री रिजर्व है वो आपको ध्यान से देखना है देखो फ्री रिजर्व में हमने क्वेश्चन ध्यान से देखना है एक है हमारा जनरल रिजर्व एक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि इस चैप्टर में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी हमारा फ्री रिजर्व ही माना जाएगा तो अभी मैं यहां पे तीनों पॉइंट्स को एक बार लिख लेते। वन इज जनरल रिजर्व सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज सिक्योरिटीज प्रीमियम ठीक है सभी का अमाउंट एक बार कॉपी कर लेते हैं जनरल रिजर्व का अमाउंट है थर्टी सिक्स प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है फोर्टी लैक्स सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है फोर लैख फिर आपको क्या करना है आपको फिर इनको ऐड करना है टू ऐड दिस ये सभी को हमें क्या करना है ऐड करना है तो अगर हम ये सभी को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 80 लाख ये हैव टू मार्क दिस एज अल्फाबेट ए हमें ए अल्फाबेट मार्क करना है ठीक है तो स्टेप नंबर वन क्या होता है स्टेप नंबर वन हमारा कोर्सेस होता है सो so, 80 लैक्स ,00 को मैं नाम लिख रहा हूं टोटल सोर्सेस तो जितने भी आपके जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस सिक्योरिटीज प्रीमियम जो भी आपके फ्री रिजर्व होंगे वो फ्री रिजर्व का लिस्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था तो वो फ्री रिजर्व में से जितने भी फ्री रिजर्व है वो सारे रिजर्व हम लोग वर्किंग नोट नंबर वन में लिखेंगे और उनके टोटल को हम बोलेंगे टोटल सोर्सेस दैट विल बी कॉल्ड एज टोटल सोर्सेस अल्फाबेट ए से हम उसे डिनोट कर लेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज ओन फंड माइनस फिफ्टी परसेंट ओन फंड माइनस ओन फंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ओन फंड ऐसा आपको कैलकुलेट करना है तो अभी आपको ओन फंड कैलकुलेट करना है फिर तो उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट ढूंढना है देखो ओन फंड कैसे कैलकुलेट होता है काफी सिंपल है सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे फिर उसमें हम ऐड करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ध्यान रखना और उसमें हम ऐड करेंगे हमारे फ्री रिजर्व का टोटल ठीक है क्या करना है इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है प्रेफरेंस लेना है और उसमें ये जो फ्री रिजर्व आपको ऊपर जो टोटल आया है एटी लैक्स वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है तो अभी हम हमारे क्वेश्चन में देखते हैं एक बार इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या हमारे क्वेश्चन में तो है हमारे क्वेश्चन में सिक्सटी थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ हंड्रेड इच तो दैट विल बी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा सिक्सटी लैक्स ठीक है तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूं ध्यान से इक्विटी शेयर कैपिटल इज इज्डी लैक्स

लेकिन रूल क्या बोला है वी हैव टू कैलकुलेट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ओन फंड एक करोड़ चालीस लाख का आपको पच्चीस परसेंट ढूंढना है बिकॉज बायबैक का रूल था मैंने आपको बताया कि पच्चीस परसेंट तो देट विल बी थर्टी फाइव लैक्स तो इसका आंसर हमें मिल रहा है थर्टी फाइव लैक्स तो मैं मार्किंग करूंगा अल्फाबेट बी तो दैट इज अवर सेकंड वर्किंग नोट सबसे पहले आपको ओन फंड्स कैलकुलेट करना है हाउ टू कैलकुलेट ओन फंड्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंसर कैपिटल प्लस योर फ्री रिजर्व्स तभी को आप अगर ऐड करोगे तो आपको ओन फंड्स मिलेगा आफ्टर कैलकुलेटिंग द ओन फंड्स उसका 25 परसेंट ढूंढो तो ट्वेंटी परसेंट ढूंढने के बाद दैट विल बी मार्क एज अल्फाबेट बी फिर हम अल्फाबेट सी में जाएंगे या थर्ड पॉइंट में जाएंगे हमारा थर्ड वर्किंग नोट है ओन फंड माइनस फिफ्टी ऑफ फंड अभी हम ओन फंड्स लेंगे यहाँ पे ओन फंड्स मतलब ये जो ऊपर कैलकुलेशन आया है वो हम कंसिडर करेंगे दैट विल बी वन करोड़ फोर्टी लैक्स माइनस फिफ्टी परसेंट ऑफ बॉर फंड क्वेश्चन में देखते हैं बॉरड फंड मतलब बैंक लोन सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन एक बार चेक कर लेंगे देखो वी हैव हैव वी इन द क्वेश्चन सिक्योर्ड लोन फोर्टी लैक्स एंड अनसिक्योर्ड लोन वी आर हैविंग ट्वेंटी लैक्स तो फोर्टी लैक्स प्लस ट्वेंटी लैक्स कितना होता है दैट विल बी सिक्सटी लैक्स तो इन दो, दोनों को हम ब्रैकेट में लिखेंगे मैं आपके प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे करवा रहा हूँ फोर्टी लैक्स प्लस ट्वेंटी लैक्स ठीक है चलो तो अभी प्रेजेंटेशन कैसा होगा एक करोड़ चालीस लाख माइनस चालीस लाख और बीस लाख कितना होता है सिक्सटी लैक्स सिक्सटी लैक्स का फिफ्टी परसेंट कितना होता है थर्टी लैक्स तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूं यहाँ पे थर्टी लैक्स तो एक करोड़ चालीस लाख में से तीस लाख अगर माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा एक करोड़ दस लाख इसको आप मार्किंग करेंगे अल्फाबेट सी आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इट्स वेरी इजी ओन फंड्स माइनस फिफ्टी परसेंट ऑफ बोरोड फंड्स तो ओन फंड्स हमारे एक करोड़ चालीस लाख ये कहां से लाया मैंने एक करोड़ चालीस लाख ये एक करोड़ चालीस लाख यहां पे अवेलेबल है वहां से लाया में से हमें माइनस करना है फिफ्टी परसेंट ऑफ बोरोड फंड्स तो जो आपका बोरोड फंड्स था बोरोड फंड्स में क्या आता है बैंक लोन अनसिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड लोन वहां से जो भी चीजें थी उसका टोटल करके उसका फिफ्टी परसेंट ढूंढना है तो आपको आंसर मिल जाएगा फिर उसको हम मार्किंग करेंगे अल्फाबेट सी तो दैट विल बी अल्फाबेट सी तो ये माइनस करके जो आंसर मिलेगा दैट इज अल्फाबेट सी अभी लास्ट स्टेप में जाते हैं फोर्थ स्टेप ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था इक्विटी शेयर कैपिटल था आपका सिक्सटी लैक्स तो ट्वेंटी लैक्स तो अगर हम ढूंढेंगे तो हमें आंसर मिलेगा पंद्रह लाख फिफ्टीन लैक्स इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ये थोड़ा सा लेंदी स्टेप है ध्यान से फिर हमें क्या करना है फिर हमें नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने हैं नंबर ऑफ शेयर्स Of equal to 15 ,000 ,000 by, आपका फेस वैल्यू है हंड्रेड रुपीज तो फिफ्टीन लैक्स को अगर हम हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर मिलेगा दैट विल बी फिफ्टीन थाउजेंड शेयर्स हमारा फिफ्टीन थाउजेंड शेयर्स वैल्यू मिल रहा है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद क्या करना है हमको इसके बाद सिंपल मल्टीप्लीकेशन है यहां पे हमें लिखना है अमाउंट ऑफ शेयर्स इक्वल टू क्या करना है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑफर प्राइस नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ऑफर प्राइस अब एक काम करेंगे क्वेश्चन में आपको ऑफर प्राइस में लिख के देता हूँ यहाँ पे हम समझो ऑफर प्राइस यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको ऑफर प्राइस तो जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं अभी ले रहा हूँ यहाँ पे ऑफर प्राइस है दो तो आपका इस क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल ऑफर प्राइस दिया जाएगा प्रॉपर पूरे क्वेश्चन में तो ऑफर प्राइस यहाँ पे है दो अभी मैं मल्टीप्लीकेशन करने वाला हूँ ध्यान से तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स है फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय हमारी ऑफर प्राइस कितनी है दो सौ पचास ठीक है तो फिफ्टीन थाउजेंड अगर हम दो सौ पचास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट देंसर थर्टी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड ओके तो थर्टी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड आपको मिला इसको हम मार्किंग करेंगे अल्फाबेट डी अब लास्ट स्टेप है हमारा मैक्सिमम बायबैक कैसे करना है मैक्सिमम बायबैक सिंपल है रूल है ए पी टी और डी पिचेवर इज लेस डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस ठीक है ध्यान से एक बार कंपेयर कर लेते हैं ए बी सी में से स्मॉलेस्ट अमाउंट कौन सा है तो ए आपका एटी लैक्स ,00 है बी तो आपका काफी बड़ा थर्टी फाइव लैक्स है एटी लैक्स ,00 है थर्टी फाइव लैक्स है तो बी में आपका अमाउंट थर्टी फाइव लैक्स स्मॉलेस्ट अमाउंट दिख रहा है फिर सी में है वन लैख टेन फिर डी में है थर्टी सेवन लैक फिफ्टी मतलब स्मॉलेस्ट थर्टी फाइव लैक्स है तो अभी मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा ए बी सी डी में से स्मॉलेस्ट कौन सा थर्टी फाइव लैक्स थर्टी फाइव लैक्स को अगर हम ऑफर प्राइस से डिवाइड करेंगे दो सौ पचास तो हमें आंसर मिलेगा फोर्टीन थाउजेंड कैन बी ठीक है ये आपका आंसर है सी आंसर ओके दिस इज दी रखना है क्या है आंसर आर टू बी दिस इज वर्किंग नोट दिस इज वर्किंग नोट विच वी हैव टू प्रिपेयर बाई सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ बाय बैक आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेप नंबर वन एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने इसमें सीखी स्टेप नंबर इज ओन इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस ऑल दी रिजर्व फिर उसका पच्चीस परसेंट आपको कैलकुलेट करना है नेक्स्ट थर्ड स्टेप में जाएंगे ओन फंड्स माइनस फिफ्टी परसेंट ऑफ बोरोड फंड्स फिर उसके बाद आएगा आपका लास्ट स्टेप सेकेंड लास्ट स्टेप ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है फिफ्थ नंबर में मैक्सिमम बाय बैक ए बी सी डी में से जो स्मॉलेस्ट अमाउंट होगा वो लेना है उसको डिवाइड करना है ऑफर प्राइस से तो यू विल गेट दी मैक्सिमम बाय बैक फोर्टीन थाउजेंड शेयर्स कैन बी बॉट बैक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर